हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, जैसा कि आपके बीए के थर्ड सेमेस्टर में जो आपका समाजशास्त्र है उसकी क्लास मैंने स्टार्ट कर दी है, जिसमें मैं आपका यूनिट नंबर 3 तक पूरा कंप्लीट करवा चुकी हूँ। उसके अलावा आज की वीडियो में मैं आपका यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने वाली हूँ। आपके यूनिट नंबर 4 में है भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं, जिसमें कुछ टॉपिक हैं, जिसमें पहला है संस्कृतिकरण। तो आज की वीडियो में हम संस्कृतिकरण को पढ़ने वाले हैं। इसमें और भी टॉपिक्स हैं जैसे पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, सार्वभौमिकता, तो उन सब पर भी अलग अलग सेपरेट वीडियो आएगा। उसके अलावा स्टूडेंट्स, जो भी थर्ड सेमेस्टर में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं या हिंदी पढ़ते हैं, तो इंग्लिश लिटरेचर की क्लास मैंने स्टार्ट कर दी है और हिंदी की मैं कुछ दिनों में स्टार्ट करने वाली हूँ, तो उन सभी के लिए भी आप मेरे चैनल पर विजिट करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका जो भारत में सामाजिक परिवर्तन की जो प्रक्रियाएं हैं उसमें एक है संस्कृतिकरण, यानी कि जो भारत में समाज में जो प्रक्रियाएं परिवर्तन होती हैं तो वो क्या है। तो देखिए, संस्कृति का मतलब तो आप लोग जानते हैं कि जो कल्चर होता है समाज का, तो उसी से है संस्कृतिकरण। तो ये होता क्या है, संस्कृतिकरण की परिभाषा करते हुए जो श्रीनिवास हैं उन्होंने लिखा है कि संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है संस्कृतिकरण, जिसके द्वारा कोई भी नीच जो हिंदू जाति है या कोई नीच हिंदू जनजाति है अथवा समूह है, तो किसी ऊंची जाति या जनजाति अथवा समूह को अपनाने का धैर्य लेकर अपनी जीवन पद्धति बदल डालती है। यानी स्टूडेंट्स, कोई किसी समाज में जो भी नीच जाति है तो वो ऊंची जो जातियां हैं उनको देख करके उनके रीति रिवाज को, उनके कल्चर को, उनमें जो भी अच्छाइयां हैं, क्योंकि नीची जाति जो होती है वो हमेशा ऊंचे लोगों जैसा ही बनना चाहती हैं, तो इसी वो क्या करती हैं कि उनके जो कल्चर है, उनके जो रहन सहन है, उनका जैसा खाना पीना है, हर एक चीज को अपनी संस्कृति में, अपने कल्चर में मिला लेती हैं और अपने जीवन की पूरी पद्धति को ही बदल डालती हैं। यहाँ पे नीची जाति की बात हो रही है कि जो नीची जाति ऊंची जातियों से लेकर ग्रहण कर लेती है, उनकी संस्कृति को अपनी संस्कृति में मिलाकर उन्हीं के जैसे रहने लगती हैं, तो वही कहलाता है संस्कृतिकरण। तो आई होप आपको संस्कृतिकरण समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं संस्कृतिकरण की प्रमुख विशेषताएं। जब आपके पेपर में ये क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे तो आपका क्वेश्चंस बनेगा इस तरह से। देखिए, संस्कृतिकरण का अर्थ स्पष्ट करते हुए संस्कृतिकरण की प्रमुख विशेषताओं को वर्णन कीजिए। तो अब अर्थ तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके क्या क्या विशेषताएं। अगर आपके पेपर में विशेषता या लक्षण दे दे तो लक्षण का मतलब भी विशेषता ही होता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, पहली विशेषता है संस्कृतिकरण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यह भारतीय समाज के प्रत्येक युग में दिखाई पड़ती है। देखिए, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें हर समाज में, हर टाइम में देखने को मिलती है। श्रीनिवास ने वैदिक युग से लेकर के आज तक की अवधि में विभिन्न जातियों के द्वारा ऊंचा उठने के अनेक प्रयासों का उल्लेख किया है। देखिए, जो श्रीनिवास ये विद्वान है, जिन्होंने इन्होंने ये बताया कि जितने भी समाजों में जितनी भी नीची जातियां होती हैं वो हमेशा ऊंची जातियों जैसा बनने के लिए, ऊंचा बनने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, और उनके रीति रिवाजों को, उनके रहन सहन, उनके खान पीन को, उनका जो पहनना होता है, कपड़े जो भी पहनते हैं वो, उन सब को अपनी संस्कृति में शामिल करना चाहता है और उनके जैसा बनना चाहता है। तो श्रीनिवास का यही कहना है कि उन्होंने देखा कि सभी जो नीच जातियां होती हैं उनमें ऊंचा बनने का प्रयास हमेशा जारी रहता है और वो ऊंचा बनना चाहती हैं। इसलिए जो संस्कृतिकरण होती है वो एक सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है जो हमें हर समाज में देखने को मिलती है। इसके अलावा जो दूसरी विशेषता है वो है संस्कृतिकरण के विभिन्न आदर्श हो सकते हैं। अब देखिए, आदर्श का मतलब जो नीची जातियां ऊंची जातियों के संस्कृति को अपने में शामिल करना चाहती हैं, तो उसके कई आदर्श हो सकते हैं। जैसे देखिए, एक नीची जाति है, यानी एक कोई भी नीची जाति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या किसी अन्य प्रमुख जाति को आदर्श मानकर भी उसके रीति रिवाजों, प्रथाओं, परंपराओं, वेशभूषा, खान पान और जीवन पद्धति को अपना सकती है। यानी देखिए, विभिन्न आदर्श हो सकते हैं, क्या क्या मतलब, यानी ऊंची जातियों में भी बहुत सारी ऊंची जातियां होती हैं और नीची जातियों में भी बहुत सारी नीची जातियां होती हैं। तो हो सकता है कि कोई नीची जाति किसी, जितनी भी ऊंची जातियां हैं उनमें से किसी एक जाति को अपना आदर्श मान ले,
जैसे कोई एक नीची जाति है वो ब्राह्मण को ही अपना आदर्श मान ले और वो चाहे कि मैं ब्राह्मण के ही रहन सहन को, परंपराओं को, उनके रीति रिवाज, उनके वेशभूषा जो है, उनके जो जीने का लाइफ स्टाइल है, उनका जो खान पान है, जो वो खाते पीते हैं, उन्हीं सबको वो अपने कल्चर में शामिल करेगा। तो ये क्या है, वो संस्कृतिकरण ही तो है। और कुछ जातियां ऐसी हैं जो नीची जातियां हैं, वो सोचती हैं कि नहीं, हम क्षत्रिय जाति को अपना आदर्श मानकर इनकी संस्कृति को, इनकी रहन सहन जो भी है, सबको अपने संस्कृति में शामिल करेंगे। कुछ नीची जातियां हैं जो वैश्य को अपना आदर्श मान लेती हैं। तो जैसे जितनी भी विभिन्न नीची जातियां हैं, तो जितनी भी ऊंची जातियां हैं, उनमें से किसी को भी अपना आदर्श मानकर उनके रहन सहन, उनकी संस्कृति, उनका खाना पीना, हर एक चीज को अपने संस्कृति में शामिल कर लेती है, अपना लेती है और उनके लाइफ स्टाइल की तरह अपने भी लाइफ बनाना चाहती है। इसके बावजूद भी एक जाति के लिए अपने से ऊपर की वही जातियां आदर्श होती हैं जो उनके सर्वाधिक निकट रहती हैं। देखिए, और हर एक जाति, मान लीजिए एक नीची जाति है, अब उसके ऊपर की एक जाति है जो उससे ऊंची है, तो वो हमेशा अपने ऊंची ही जाति को अपना आदर्श मानती है क्योंकि वो उसके ज्यादा नजदीक होती है। फिर वो उन्हीं को आदर्श मानकर क्या करती है कि उनके रहन सहन, संस्कृति, हर एक चीज को अपने आप में क्या करती है, शामिल कर लेती है। उसके बाद क्या हो सकता है कि वो उनको जब आदर्श मान के उनको को अपने में शामिल कर लिया, तो फिर उनके ऊपर वाले को अपना आदर्श मानकर फिर उनकी संस्कृति को अपने में शामिल करना चाहे। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि हर समाज में हमें ये प्रक्रिया देखने को मिलती है। कोई किसी को भी अपना आदर्श मान सकता है और हमेशा हर समाज की नीची जो जातियां होती है वो ऊंचा बनने के लिए प्रयास करते रहते हैं। अब देखिए, जो तीसरी विशेषता है वो है संस्कृतिकरण की प्रक्रिया द्विमार्गी है। स्टूडेंट, संस्कृतिकरण क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, हर नीची जाति जो ऊंची जातियों के रहन सहन कल्चर को अपने में शामिल करना चाहती है, वही संस्कृतिकरण कहलाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ नीची जातियां ही, क्योंकि जो संस्कृतिकरण है वो एक द्विमार्गी है, यानी कि दो मार्गों की प्रक्रिया होती है। देखिए, संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है वो द्विमार्गी है, अर्थात हम कह सकते हैं इसमें सदैव ही निम्न जातियां उच्च जातियों की संस्कृति को ग्रहण नहीं करती हैं, अपितु उच्च जातियां भी अपने से नीची जातियों में संस्कृति के कुछ तत्वों को ग्रहण करती हैं। यानी अभी तक आपको ऐसा लग रहा होगा कि सिर्फ नीची जातियां ही ऊंची जातियों के रहन सहन और संस्कृति को अपने में शामिल करती हैं, तो ऐसा नहीं है। देखिए, ज्यादातर तो ऐसा ही है, क्योंकि जो नीची जातियां हैं वो ऊंची जातियों की हर संस्कृति को अपने में शामिल करना चाहती है, उनका खाना पीना, उनका रहन सहन, उनका जो पहनना ओढ़ावा जो है, हर एक चीज को। और जो ऊंची जातियां होती हैं वो भी नीची जातियों वाले की संस्कृति में से कुछ तत्व ऐसे होंगे जो अच्छे हों, उनके देखने में अच्छे हों, तो ऊंची जातियां भी नीची जातियों से कुछ न कुछ ग्रहण करके अपने संस्कृति में शामिल कर लेती हैं। देखिए, ऊंची जाति हमेशा नीची जाति के हर एक तत्व को नहीं ग्रहण करेगी, क्योंकि वो खुद ऊंची होती हैं और ऊंची जाति को लोगों को तो खुद नीची जातियां देखकर फॉलो करती हैं। हो सकता है नीची जातियों में कुछ तत्व ऐसे हों जो बहुत अच्छे हों, तो इसलिए ऊंची जाति के लोग उनके तत्वों को ग्रहण कर लेते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो संस्कृतिकरण है एक द्विमार्गी प्रक्रिया है जो दो मार्गों से होती है। ऊंची जाति वाले भी नीचियों से कुछ ग्रहण करते हैं और नीची जाति वाले ऊंची जातियों से भी ग्रहण करते हैं। लेकिन ज्यादातर नीची जाति के लोग ही ऊंची जाति वालों की संस्कृति को ग्रहण करते हैं, वो उनके हर एक तत्व को ग्रहण करना चाहते हैं, क्योंकि ऊंची जातियों में हर एक चीज अच्छा होता है और ऊंची जातियां नीची जातियों से सिर्फ कुछ ही तत्वों को ग्रहण करती हैं जो कुछ उनमें अच्छा होता है। तो आई होप कि आपको ये सभी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और स्टूडेंट्स, अपने इंग्लिश लिटरेचर थर्ड सेमेस्टर में जो पढ़ रहे हैं उसके लिए भी आप चैनल पर विजिट कीजिए। क्लास स्टार्ट हो गई है और मैं बहुत जल्द हिंदी की भी क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ आपके थर्ड सेमेस्टर में, तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपने हर एक सब्जेक्ट की क्लास पढ़ने के लिए मिले, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छी से अच्छी तैयारी करके अच्छे से अच्छे मार्क्स को ला सकें। तो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।